एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, काफ़ी दिन हो गए मुझे व्लॉग नहीं कर रही हूँ। मतलब हमेशा हो जाता है कि रुक रुक के व्लॉग करती हूँ, क्योंकि गाइज समझ नहीं आता है कि रोज़ हम क्या दिखाएं क्या करें। क्योंकि अभी गाइज आज मैं जा रही हूँ पुरानी दिल्ली, अपने मम्मी पापा के संग अपनी बुआ के घर पर। तो और काफ़ी दिनों से पुरानी दिल्ली मतलब सोच रही थी, मतलब कैसे बताऊँ आपको कि पुरानी दिल्ली में 12 साल बाद जा रही हूँ। वैसे गई हूँ, जामा मस्जिद साइड गई हूँ, अपनी दवाई लेकर आती थी, लेने जाती थी, वहाँ से लेकर आ जाती थी। बट अगर बुआ की बात कर जाए, मतलब जो मेरा मतलब कि कहा जाए तो बचपन की जो यादें, जो बचपन मतलब जो घर है हमारा जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो और जा रहे साथ में मम्मी पापा और मोना दीदी भी। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकल रही हूँ वहाँ की तरफ। और जाते ही ना बाबा, मैं तो वहाँ हूँ बेड़ी पूरी। तो गाइस हम मेट्रो में आ चुके हैं, मतलब मेट्रो में आ गए, मम्मी पापा भी आ गए। तो गाइस हम आ गए चौड़े बाजार। गाइस धूप देख रहे हो कितनी गर्मी है, बाय गॉड, मतलब बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप हो रही है और हालत ख़राब हो रही है। मैं ये चार हज़ार मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हूँ और हम लगा। तो गाइस हम लोग रिक्शा में बैठ गए, दरी पे करा है बट यहाँ से बीच में रास्ते में रुक जाएगा वो पूरी के लिए। तो गाइस रिक्शा में बैठ गए और मम्मी पापा, सांस फूल गई, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारा चावड़ी बाजार है। अभिषेक का स्कूल यहीं पे था, यहाँ मेरे भाई यहीं पे इसी स्कूल में पढ़ता था, अंदर जाके स्कूल है वहाँ पढ़ता था। अब हम यहाँ से पूरी पैक कराएंगे और फिर घर जाके खाएंगे। तो गाइस हमने यहाँ से बोल दिया, हाँ तो गाइस हमने यहाँ से पूरी ले ली है शेक के, बस इतना ही बोलना था। यहाँ पुरानी दिल्ली में सब चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी आपको देखने के लिए करके ना, फिर ऐसे भी खाया जाता है इसको, हम बचपन में बहुत खाते थे हलवा नंगूरी। पूरी पैक करा ली हमने जी, कितने रुपए ज़्यादा महंगी थी? 70 रुपये प्लेट, 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। पहले तो हम छोटे छोटे तब लाते थे ना, 5 रुपये की, 10 रुपये की, 100 रुपये की भी आते थे, पूरे पहनों की बड़े 100 रुपये भी तो भारी लगते थे ना। तो गाइस ये है जामा मस्जिद। और गाइस ये जो मेरे को तो देखना ही पता, ये जो पतली गली ना है इसके अंदर हम रहते थे, मतलब यही रास्ता था हमारा अंदर, जो यहाँ आगे जाके छिपीवाड़ा पड़ता है। गाइस ये जामा मस्जिद है, तो सोचो आप कितना पास में रहते थे मस्जिद के भी, और लाल किला उधर अभी दिखाऊंगी मैं आपको। नहीं मस्जिद में इसलिए जाती थी, छोटी थी, डर लगता था थोड़ा सा मेरे को। बंद कर दियो, नहीं बंद ही कर दियो कि पापा उन्होंने शॉप को चला गया होगा। भैया ये जा रहा है छिपीवाड़े की तरफ रास्ता। कितने टाइम बाद आ रहे हैं गए, मैं तो रास्ता भूल गया, अगर मैं अकेली आती तो नहीं आ जाता, पर पापा के संग आई तो शायद पापा गाइड कर रहे हैं। ये मेरा स्कूल है और ये हमारा मतलब कि स्कूल है और ये मंदिर है यहाँ पे हनुमान जी का। ये कौन है गाइस? पहले ना ये ना पूरी छत होती थी, बहुत बड़ी छत होती थी, अब यहाँ पे ना एक वो मतलब एक बिल्डिंग टाइप की बन गई है। ये सारा मतलब कि बन गया है, लोगों ने ढक लिया है और बंदर अभी भी यहाँ पे है, यहाँ पे बंदर अभी भी है। क्या स्वाद आया? स्वाद आ रहा है बहुत ज़्यादा जी, स्वाद आया बहुत ज़्यादा, टेस्टी थी। हमें ज्यादा मिलते थे क्योंकि हमारे घर ऊपर का था ना, जल्दी वाले के पैसे पता नहीं। हाँ देखिए
शोरूम टाइप से खुल गई है ना, बहुत चेंज हो गया है। पापा ना बैठे थे, मैं तो आगे निकल जाती, मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे आगे नहीं मिले, आगे कैसे पापा कह रहे हैं, और जगह तैयार ही है। अभी सही, अभी सही हाथ कर दवाई खा लो, सही नहीं खाओ तो तुम सेल पर आई थी। हाँ सेल आलो बेटा, नहीं नहीं वो लेकर आई थी, मैंने बोला था आयुर्वेदिक पैलेस ले आना। हाँ लाई हूँ शीशे। अरे बड़ी अच्छा हो गया, बहुत सालों बाद आए हैं, बस निकलते ही नहीं हो, निकल आए करो ना। और क्या भैया, अब देख घर में से कहाँ निकलना होता है, अब दो गधे है गए हम, अभी तो खुद ही आ जाते हैं। जब हमारा चाय पी लेते हैं, और ये बुआ बैठी हैं यहाँ पे, और मम्मी पापा, और ये हम पी रहे चाय। कोई बात नहीं, अंधेरा हो रहा तो नहीं, गर्मी बहुत है, हमने लाइटें बंद करवा रखी है, गर्मी बहुत हो रखी है। और ये चाय, और ये मोना दीदी सारा लेके बैठी है। देखो हमारे माँ बाप सिर्फ खाली चाय पी रहे हैं, ये मोना दीदी खा रही हैं, और ये रही मोना। मेरी बुआ ऊपर चढ़ गई मचान पे एल्बम निकालने के लिए, पुरानी फोटो ये आ रही है। तो गाइस यहाँ पे प्राइम दिल्ली में ना, मतलब काफ़ी जगहों पर ये परसत्या ही है। तो ये एल्बम निकाल के लाए, पुरानी फ़ोटो, पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह, मेमोरी इतनी सारी, और मेरी बचपन की फ़ोटोज़ सब हमने ले ली है, सब कैप्चर कर ली है। एल्बम लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ तो फिर भी मिल गई है चीज़ें पुरानी, पर अब घर पे अपने पास जाऊँगी तो नहीं मिलेगी। तो बस गाइस जब 4 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए रास्ते में, क्योंकि पापा साथ में हैं, और इनको पहले जल्दी हो रही चलने की। मैं आपको नहीं बनी है गाइज, ये मेरी पुरानी फ़ोटो है, मतलब कि मैं होंगी इस टाइम 18 साल की, 19 साल की होंगी, ये मेरी 19 साल की थी, मतलब कि ये तब की मेरी पिक्चर्स है। और ये मेरी बुआ के पास मिल गई फ़ोटो, और भी है बहुत सारी पुरानी फ़ोटो। और ये मेरी बुआ की फ़ोटोज़ हैं, ये 13 साल की। अरे यार पापा, ये मेरे पापा हैं, ये जो खड़े हैं अब ये देखिए, और आपके पापा। चलिए चलिए मैम, चलिए जब हाँ जल्दी आएंगे, जल्दी आना, चक्कर लगा लेंगे बीच में। कौन अभी आएंगे, अभी ब्लॉग पूरा बना नहीं है क्योंकि हमने पूरा एंजली पूरी देखी नहीं है, तो मौसम इतना खराब है, गर्मी बहुत तेज है। क्या मौसम हम रिक्शा पकड़ रहे हैं मेट्रो के लिए, क्या इधर से देखते हुए चले जाओ ना, पापा को आने की भी जल्दी और जाने की भी जल्दी। बाय दीदी, आ जाना। हाँ हाँ, तो गाइस हम निकल चुके हैं मेट्रो के लिए, हमारे पापा को जितनी जल्दी आने की जितनी जल्दी जाने की भी है। दोबारा दिखा देती हूँ, स्कूल दिखाऊंगा अपना, मम्मी हाथ हटाना स्कूल का, पूरी यारी पिक्चर्स। तो गाइज ये व्लॉग तो मैंने खैर मम्मी पापा की वजह से थोड़ा ऐसे ही बनाया है, नेक्स्ट टाइम आऊँगी क्योंकि पापा को हमारे चैलेंज आएगा, वो कह रहे सीधे आए घर। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी पुरानी दिल्ली और एस्कॉन टेम्पल, मतलब कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो मंदिर खुला है राधे कृष्णा का, एस्कॉन टेम्पल करके है, मतलब कि मेरी बहन ने बताया था कि अभी नया खुला है। तो अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, तो मैं पूरा घूमूंगी क्योंकि गर्मी भी आज ज़्यादा है, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो उसी दिन मैं आ जाऊँगी, तब दिखाऊँगी पूरा पुरानी दिल्ली का अपना। तो गाइज ये है चावड़ी बाजार की तरफ आ गए, हम गए भी इसी रास्ते से और आए भी इसी रास्ते से, और अभी ना शाम होते होते यहाँ पे ना इतना जाम लग जाता है रिक्शा का, बैटरी रिक्शा का। अब तो मुझे खैर वाली रिक्शा कम दिख रही है, जो हाथ वाली होती थी, मतलब जो बैटरी अभी तो सब जगह मुझे बैटरी ये वाली रिक्शा, और बाकी तो यहाँ पर बैटरी रिक्शा है अब तो, मतलब बहुत जाम हुआ करता था एक टाइम में, और अभी भी बीच में आई थी, अब भी था यहाँ पर जाम। नहीं, सही बात है, ये गलत फहम ही पालते हैं। जाना आएंगे तो मोबाइल आ जाओ।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी सारी सीढ़ियाँ थी, पापा बेचारे थक गए हैं, बैठ गए हैं, मम्मी हवा खा रही है। गलत होता है, हम गलत मेट्रो में बैठ गए थे और वापस आए हैं, दूसरी मेट्रो में बैठे थे पापा। पापा घबरा रहे हैं, गलत मेट्रो में बैठ गए थे। ये मेरे साथ हर बार होता है कि मैं गलत मेट्रो में बैठ जाती हूँ। कितनी बार कितनी नहीं नहीं मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, नहीं तीन चार बार ही हो चुका है, मैं गलत मेट्रो में बैठती हूँ हमेशा। हाँ चावड़ी बाजार राजीव चौक। राजीव चौक स्टेशन आ चुके हैं, अब जाएंगे हम सीधे घर। पता है राज क्या कहते हैं, मोना दीदी हमेशा फ़ोन पे क्यों लगी रहती है, तो तुम जब ही बनाती है। मम्मी पापा की फिर से लड़ाई हो गई मेट्रो में। से लड़ाई नहीं बोलती क्या बोल लोग। हाँ मम्मी अपनी बता रही हैं, बस एक दूसरे की हो रही मम्मी पापा की बुराई कर। हम कौन से स्टेशन आ गए, कौन से स्टेशन आ गए दीदी? करोल बाग आ गए हैं। बस 20-25 मिनट का और सफ़र है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।